मुख्यमंत्री योगी जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो गौसेवा उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा रहती है। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद उन्होंने बुधवार प्रातःकाल गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेका। सुबह मानसून की पहली झमाझम बारिश के बावजूद वह मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मंदिर की गौशाला में पहुंचे और वहां कुछ समय व्यतीत किया। गौशाला में उन्होंने चारों तरफ भ्रमण करते हुए श्यामा, गौरी, गंगा, भोला आदि नामों से गोवंश को पुकारा। मुख्यमंत्री योगी की आवाज इन गोवंशों के लिए जानी पहचानी है। प्यार भरी पुकार सुनते ही कई गोवंश दौड़ते मचलते हुए उनके पास आ गए। बारिश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी के माथे पर हाथ फेरा, उन्हें खूब दुलारा और अपने हाथों से उन्हें रोटी और गुड़ खिलाया। मुख्यमंत्री ने गौशाला के कार्यकर्ताओं से सभी गोवंश के स्वास्थ्य व पोषण की जानकारी ली और देखभाल के लिए जरूरी निर्देश दिए। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर, क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D-Pharma, B-Pharma, M-Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर